भेजो। लेना लेना तुम दोनों की पिक्चर हो जाए। दादा फोटो। तेजू एक सेकंड पकड़। हाय तेजू। हे हाय जिग्नेश, आओ ना बैठो। तुम यहाँ? हाँ। तो फाइनली तुम आए गए। हाँ, तुमने इतने अपनेपन से बुलाया तो आना ही पड़ा। और वैसे भी तुम फोन पे थोड़ा अपसेट साउंड कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा मुझे आना चाहिए। खैर, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। ये देखो प्रेजेंटेशन बनाइए। अच्छा। ओवी और अर्जुन के लिए उनकी बचपन से लेके आज तक के जितने भी फोटोज और वीडियोज है ना, उनको लेके ये प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने। कैसी है? ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ कमी लग रही है। आई मीन कमी लग रही है? हाँ, लाइक मुझे दो मिनट दो, मैं इन चीजों में बहुत अच्छा हूँ। अरे इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था यहाँ पे। अच्छा, मतलब काम के लिए बुलाया था? तुम्हें क्या लगा पार्टी में फ्री का खाना खाने के लिए बुलाया मैंने? आयो तो थोड़ा काम भी कर दो ना। ओवी, अर्जुन, विश यू वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बाबी रॉल, आज के दिन तुझे गिफ्ट तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एक स्पेशल सरप्राइज है जो मैंने तेरे लिए प्लान किया है। ये है वो सरप्राइज। आइए हम देखते हैं अर्जुन और ओवी की बचपन से लेके अब तक की कुछ यादें। ये है हमारे छोटे अर्जुन जो कि आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारी ओवी के प्रिंस। और ये रही हमारी छोटी प्रिंसेस जो कि खुद आज एक परी की मॉम है। ये इनके कुछ मोमेंट्स देख रहे हैं ना आप लोग, कैसे ये दोनों हमेशा साथ रहते। पिक्चर्स में ऐसा लग रहा है कि दोनों को डांस करने का बहुत शौक है। जैसे जैसे ये बढ़ते गए इनकी दोस्ती भी बढ़ती गई। जब वक्त मिलता मूवीज, डिनर एंड कैसे भी कोई भी बहाना करके एक दूसरे के लिए वक्त निकाल ही लेते थे। अब हम देखते हैं अर्जुन और ओवी के बचपन के कुछ वीडियो क्लिप्स जो इन्हें याद भी नहीं होगा कि ये कब रिकॉर्ड किए गए थे। ओवी, जब मैं बड़ा बन जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए इससे ही बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। हाँ, फिर हम दोनों उसी बिल्डिंग में रहेंगे। ये थी मिस जेलिस ओवी। अर्जुन इनके सिवा अगर किसी और लड़की से बात कर लेता था तो अर्जुन की तो खैर नहीं, लेकिन उस लड़की की भी वाट लगती थी साथ में। तेजू, मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? हाँ ओवी, अच्छी लग रही हो। ओवी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओवी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे अर्जुन। मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरे हाथ आगे करो। पूरा आई प्रॉमिस, हम दोनों इसी तरह अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। यस, वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तो देखा आपने कैसे इन दोनों ने आज तक फ्रेंडशिप डे पे किया प्रॉमिस एक दूसरे से अभी तक निभाया, एंड आई एम श्योर आगे भी निभाते रहेंगे। मिस्टी, जरा गिफ्ट्स यहाँ पर अरेंज कर देना, और भी लेकर आता हूँ बहुत सारे। On
आमिर काफी घुल मिल गया घर वालों में। जब सच्चाई सबको पता चलेगी तो पता नहीं सबका क्या रिएक्शन होगा। बहुत मुश्किल में फंसे हैं इस वक्त हम दोनों, न यहां से जा सकते हैं और न ही किसी को सच बता सकते। इन सब चीजों के बीच मुझे किसी की परेशानी है तो सिर्फ परी की है। पता नहीं कि वो भी सच जाने के बाद परी को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अर्जुन तुम चिंता मत करो, ओवी अब परी के बहुत क्लोज आ गई है, वो ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह पाएगी। दादा बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कौन दिया तुमको धोखा, बता ना हमको। अर्जुन पूर्वी दादा, वो भी अर्जुन और पूर्वी पर जॉन इल्जाम लगा रही थी, कहीं वो सही तो नहीं है। हाँ वाकई में अर्जुन और पूर्वी के बीच कुछ फैशन चल रहा है, हमको पता लगाना होगा। क्या कर रही तू बेटा, तू ठीक तो है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। वेल, आज अर्जुन और ओबी के लिए बहुत खास दिन है, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। मैं चाहूंगी ये दोनों यहाँ पे आए और अपनी स्पेशल फीलिंग हम लोगों के साथ शेयर करें। एक बहुत ही स्पेशल दिन है कि मैंने और ओवी ने अपनी शादी का पहला साल कंप्लीट किया है। आज के दिन सिर्फ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ओवी ने मेरा मेरी जिंदगी में बहुत साथ दिया है। शीज बिन अ सपोर्ट, और अब मेरी बेटी परी, माय एंजल, इसके मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है इसने। मेरे जीने का एकमात्र रीजन है वो। इसके आने के बाद लाइफ इज जस्ट ब्यूटीफुल। परी के मेरी लाइफ में होने के बाद आई एम लाइक द लकीस्ट मैन। और दैट्स इट। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। वेल, अब मैं अपनी बाबी डॉल अपनी सिस्टर ओवी को बुलाना चाहूंगी। ओवी, बेटा अर्जुन, हैप्पी एनिवर्सरी। आप सबको पता है जिस तरह अर्जुन अपने आप को बहुत लकी समझता है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। मेरे पास एक प्यारा सा परिवार है, एक लविंग हस्बैंड है, एक प्यारी सी बेटी है, और एक लड़की को और क्या चाहिए होता है।
पर मुझे कल ही पता चला कि मैं तो इस दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हूं। मुझे हर बार बेवकूफ बनाया गया, मेरी फीलिंग का मजाक उड़ाया गया। पर गलती मेरी है कि मैंने एक ऐसे लड़के से प्यार किया जो अपने पास को कभी भुला ही नहीं पाए। अर्जुन, लेकिन आप सब गलत मत समझेगा, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है। ये तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आप सब जानते हैं मुझे इसने क्या गिफ्ट दिया। अरे तो ना जी, हाँ ओवी, मैं ठीक हूँ। ये गिफ्ट दिया है मुझे परी, अर्जुन और मेरी। नहीं, मेरी अर्जुन और पूर्वी की बेटी। क्या बोल रही तू? बाबा, मैं सच कह रही हूँ। आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है? पूर्वी से पूछ लीजिए। पूर्वी, बताओ ना सबको कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सबको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। बताओ, तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, तो बताओ ना सबको कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लगता है तो मित्तल के लगाए हुए सारे झूठे इल्जामों को सही मानकर चल रही। भूल जा सारी बातों को। एक मिनट मिस्टर देशमुख, एक मिनट। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी इल्जाम लगाए थे वो सारे के सारे झूठे थे? ठीक है, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि मैंने जितने भी इल्जाम लगाए थे वो झूठे नहीं, सच थे। बंद करो अपना तमाशा। आपको जो कुछ भी कहना था, जो भी सबूत पेश करने थे, आप कोर्ट में पेश कर चुके और कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया कि सारे इल्जाम झूठे थे। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? क्यों सुलझे हुए मामलों को उलझा रहे हो? सुलझा हुआ मामला? मिस्टर देशमुख, कुछ भी सुलझा हुआ नहीं है। इनफैक्ट ये मामला अब और गंभीर होता जाएगा। आपको जानना है कैसे?
The show is about to begin. अभी देर नहीं हुई, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मतलब इसमें हमारा बच्चा हमारी मदद करेगा। तुम क्या कह रही हो मुझसे? उन्हें हम अपना बच्चा वो भी और अर्जुन को दे देंगे। मेरी बेटी अपने अपने असली पिता के पास रहेगी, उनका नाम उसे मिलेगा। कैसा लगा? उस दिन आप सब ने मुझे झूठा ठहराया, अब पता चल गया, देख लिया आप सब कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। ये श्री श्री ओनिर दत्त ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला। मैं आज आप सब ने देख ली ना सच्चाई, पता चल गया ना इतना घिनौना और गिरा हुआ काम कौन करता है वो। ओनिर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उस दिन तो ताव में आके बहुत धमकी दे रहे थे मुझे, मैं तुम पे केस कर दूंगा। केस किया क्यों नहीं डॉक्टर ओनिर दत्त? अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा। आजी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बुरा तो मुझे आपके लिए लग रहा है। नहीं आपको आपको बड़ा गर्व था ना अपनी लाडली पोती। देखा आपकी पीठ पीछे कैसे गुल खिला है वो। मित्तल अपनी लिमिट्स पे रहो, समझे? एक मिनट अर्जुन। पापा तुम अपनी लिमिट्स में रहो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ऐसा कर सकते हो। पापा यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, पर मैंने खुद कल सुना अर्जुन और पूर्वी को बात करते हुए। जब मैं होटल गई थी अर्जुन से मिलने, वो भी तुम वहां थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताती? वो भी वो तुमसे इतनी छोटी सी बात छुपाई मैंने तो बहुत बुरा लग रहा है, और तुमने जो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई उसका क्या? मुझसे झूठ कहा तुमने, जिस दिन से हमारी शादी हुई उस दिन से झूठ कह रहे हो मुझे। अर्जुन मजाक बना दिया तुमने मेरा, मेरे प्यार का। लेकिन आज के बाद से तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है और मेरा भी तुम पर कोई हक नहीं है। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच में। सब कुछ खत्म हो गया। तुम तो बहन हो ना मेरी। मैं तुमसे कितनी सारी बातें शेयर करती थी, तुम्हें अपना फ्रेंड मानती थी, पर तुमने क्या किया? गोद भराई से लेके प्रेगनेंसी की सारी बातें, मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या सपने देखे थे सब तुम्हें बताया था मैंने। यहाँ तक कि जब मुझे पता चला था कि तुमने अपना बच्चा खो दिया, मैंने आके तुम्हें कितनी तसल्लियां दी थी। मुझसे जो हो सका था मैंने वो सब किया ताकि तुम अपने सदमे से बाहर आ जाओ। सच बताओ पूर्वी, हंसती होगी ना तुम मुझ पे? एक तो मेरा ही बच्चा और ऊपर से मैं ही तुम्हें तसल्लियां देती हूँ। बहुत घटिया मजाक किया तुमने मेरे साथ।